अपने शहर कस्बा गांव में साप्ताहिक बाजार में स्टॉल लगाकर करें क्रॉकरी सेल करने का व्यापार। हर महीने कमाएंगे लाखों रुपए। आज इस वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं वो काफी फेमस है और आपने भी इस इलाके में इसके बारे में सुना होगा या आप खुद ही ऐसी मार्केट के ग्राहक होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक मार्केट की, जो हर शहर कस्बा गांव में आसानी से देखने को मिलती है। ऐसे मार्केट में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े, फल, सब्जी और अन्य प्रकार के हाथ से निर्मित सामानों को बेचते हुए लोग दिखाई देते हैं। आप भी इन्हीं लोगों की तरह साप्ताहिक मार्केट की उपलब्धि का फायदा उठाकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इस मार्केट की खास बात ये भी है कि यदि आप किसी चीज का बिजनेस करते हैं और आपके पास दुकान भी है, आप हफ्ते के 5 दिन अपनी दुकान पर दें और 1 दिन इस तरह की मार्केट में दें। बचा 1 दिन आप अपने परिवार को दे सकते हैं, वो भी खुशी खुशी। बहुत से लोग तो ये भी करते हैं कि उनका काम होता है बस इस तरह की मार्केट्स में पूरे सप्ताह स्टॉल लगाना, क्योंकि इस तरह की मार्केट एक शहर में अलग अलग दिन होती है। कस्बों की बात की जाए तो यहाँ भी हर दिन जिले के हिसाब से अलग अलग दिन मार्केट लगती है और आसपास के गांव में हर दिन कोई ना कोई साप्ताहिक मार्केट चल रही होती है। ऐसे में ये लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। सही लोकेशन चुने। जब भी आप इस तरह की मार्केट में दुकान लगाने की सोचते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके दुकान के लिए लोकेशन कौन सी सही रहेगी। यदि आप क्रॉकरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो दुकान ऐसी जगह हो जहां बर्तन और किचन आइटम्स से जुड़ी दुकानें हो। इस तरह के मार्केट में एक कैटेगरी की लाइन से दुकानें होती हैं। ऐसे में आप अपने लिए सही जगह का चयन कर सकते हैं। अपना एक बिजनेस प्लान तैयार करें। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको उसका एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा, जिसमें आप पहले से कई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपना प्लान बनाएंगे, जैसे कि आपको कितना अधिक निवेश करना है और आप इस निवेश से कितने अधिक मुनाफे की अपेक्षा कर सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय में आने वाली आगे की कठिनाइयों से निपटने के लिए आपके पास किस तरह की योजना है। बैंक अकाउंट खोले। बैंक अकाउंट आज के दौर की आवश्यकता हो गई है। इसके जरिए आप सिर्फ कैश तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे। ऐसे में आप अपने ग्राहकों से UPI के माध्यम से पेमेंट करवा सकते हैं। साथ ही आप जहां से भी माल उठाते हैं वहां ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक है बैंक अकाउंट। जैसा कि आपको पता है, इस तरह के व्यवसाय को GST के निर्धारण क्षेत्र में शामिल किया गया है, इसलिए आपको GST पोर्टल पर रजिस्टर करवाकर अपना एक GST नंबर लेना होगा। इसके साथ ही आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, जिसे आप अपने पैन कार्ड से जुड़वाकर आधार कार्ड की सहायता से लिंक करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये काम करना इतना जरूरी नहीं है, परंतु आपको मुनाफा कमाने के साथ साथ सरकार के द्वारा तय की गई आपकी ड्यूटी अर्थात टैक्स भी चुकाना चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर का ध्यान रखें। वर्तमान में बढ़ती व्यवसाय प्रवृत्ति की वजह से भारतीय युवा वर्ग व्यावसायिक कार्यों में संलग्न हो रहा है। इसी वजह से आपको किसी भी क्षेत्र में पहले की तुलना में अधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा, परंतु इस कंपटीशन से टक्कर लेने के लिए शुरुआत में आपको अपने मुनाफे को कम करते हुए बेहतरीन गुणवत्ता की सेवा प्रदान करनी होगी। साथ ही अपने सफल कॉम्पिटिटर की कुछ अच्छी विशेषताओं को अपना कर भी आप सफलता की राह पर चल सकते हैं। कुछ जरूरतमंद बातें जिनका आपको रखना है ध्यान। इस तरह की मार्केट में दुकान के लिए जगह सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह को चुन ले जो सबकी नजरों से छुप जाती हो, इसलिए लोकेशन पर खास ध्यान रखें। नंबर 2, क्रॉकरी की उपलब्धता। अलग अलग क्वालिटी की क्रॉकरी आपको अलग अलग कीमत में पड़ती है। आप किसी भी बड़े होलसेलर से कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की क्रॉकरी खरीदकर छोटे मार्केट में बेचकर अपना मार्जिन बचाकर मुनाफा कमा सकते हैं। दिल्ली और मुंबई में स्थित कई बड़े होलसेल मार्केट में आपको 5 रुपए के एक छोटे कप से लेकर 2000 रुपए तक की क्रॉकरी मिल जाएगी। शॉप पर ऐसी क्रॉकरी हो जिसे देखकर लोग खींचे चले आए। नंबर 3, आप अपनी स्टॉल को फर्म के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। ये कदम आने वाले समय में आपके स्टॉल की मार्केटिंग करने में सहयोग देगा। वैसे तो ऐसे साप्ताहिक मार्केट में अपनी स्टॉल लगाने के लिए आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु फिर भी उस क्षेत्र में उस मार्केट को संचालित करने वाली संस्था से अनुमति प्राप्त कर भविष्य में होने वाले कानूनी दाव पेच से आप बच सकते हैं। नंबर 5, शुरुआत में आपके आस पड़ोस पर क्रॉकरी बेचने वालों की तुलना में आप कम कीमत वसूल कर सकते हैं। हालांकि इससे आपके मुनाफे पर असर पड़ेगा, परंतु एक बार ग्राहकों का विश्वास जीतने पर आपको अच्छा खासा लाभ भी हो जाएगा। नंबर 6,
आप इस प्रकार के साप्ताहिक मार्केट में साधारण क्रॉकरी के अलावा सिरेमिक क्रॉकरी भी बेच सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में सिरेमिक क्रॉकरी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इस बिजनेस में अभी काफी कम कंपटीशन है। इसकी एकमात्र वजह है कि इसके बारे में अभी तक लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। इनमें चाय के कप, कॉफी के मग, प्लेट, कटोरी, डिनर सेट, शरबत सेट, चाय सेट, आइसक्रीम की प्लेट और सिरेमिक से बने हुए दूसरे घरेलू उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।